मुकाबला शुरू होता हुआ पहला नॉक अपना निकाल चुके हैं। आगे बढ़ने की कोशिश एक और प्लेयर के बिल्कुल जस्ट सामने बेहतरीन प्ले मैच कैश को भी नॉक करा जाएगा अक्षत के द्वारा। टीम सोल दे आर लुकिंग गुड। एक्जेक्टली गॉब्लिन यहाँ पे देखिए मैक्स कैश को टेक डाउन कर चुके हैं। अब बाकी प्लेयर्स आसपास है भी नहीं, गाड़ी लेके पीछे फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम सोल यहाँ से यू नो डीथ्रोन कर देंगे। जो रिज जो पहाड़ वो होल्ड करने के लिए आए थे वहां पे डिसएडवांटेज में डाला गया है। टीम सोल देखिए किस तरीके से आगे अग्रेस कर रहे हैं। गॉब्लिन रुकना नहीं, कितनी फिनिशेस निकाल पाएंगे। आगे जा रहे हैं, चेस किया जा रहा है, रुक ही नहीं रही है। तो मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस का गेम लग रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल जिस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा है। शायद गॉब्लिन को एशियन गेम्स में जाना चाहिए जहाँ पे वो रेस कर सकेंगे। देखिए एशियन गेम्स का तो पता नहीं, बट इस सिचुएशन में वो फाइट तो करना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते हैं। कब रुकेंगे? देखिए कितने सारे टीमों को वो यहाँ पे हाय बोलते हुए जा रहे हैं। आसपास से इन्फॉर्मेशन कितना मिल रहा होगा उनको, बट सोल रुक नहीं जा रहे, सोल पे पीछा कर रहे हैं। पेट्रोल एक्चुअली टेड रुक चुके हैं एंड ओवे की गाड़ी का टायर भी फट चुका है। बिल्कुल यहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल बन जाता है टीम एंडिंग बा फॉरएवर के लिए। टेड अभी भी आगे जा रहे, अभी भी चेस करा जा रहे हैं। ओवे की एचपी यहाँ पे बिल्कुल नहीं बची है। टीम सोल चेस करते हुए नजर आएगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बट कितनी दूर तक, आखिर कितनी दूर तक आप चेस कर पाएंगे? मुझे ग्राइंड का आखिरी दिन याद आ गया, उस दिन भी टीम एनिग्मा फॉरएवर को चेस कराया गया था एक टीम के द्वारा। माय वर्ड, मतलब आप देखिए बाकी सारे टीम्स इसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके एक्चुअली नहीं, यहाँ पे ओएस को टेक डाउन कर दिया गया ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स के द्वारा। इतना ज्यादा चेस कराया गया, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं था। टीम एनिग्मा फॉरएवर को एलिमिनेट किया गया है। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? What is happening today? Goblin ने यहाँ पे एजे को नॉक करा, Goblin ने एजे को फिनिश करा। Soul is not stopping right now because चलिए एक शिकार खत्म हुआ, दूसरा शुरू कर देते हैं। Global Esports अब उनके रडार पे जरूर है और Global Esports भी जा रहा है। क्या चेस करा जाएगा? क्या इतना फ्यूल है, क्या इतना जज्बा है कि इनको भी चेस करा जाए? आई थिंक अगर फ्यूल टैंक लेकर चल रहे हैं साथ में तो ऑफ कोर्स उनके पास रीफिलिंग करने का थोड़ा एक दो सेकंड टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से वो चेज कर सकते हैं। बट तब तक आई थिंक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स काफी दूर निकल चुके हैं। बट यू नो सिर्फ एक टीम को चेस नहीं किया, दूसरे टीम को भी एक प्लेयर को खत्म करके टीम सोल आई थिंक थोड़ा सा अनस्टॉपेबल लग रहा है। वही अगर बात की जाए टीम एक्सो की, नॉक तो निकाला जरूर है, बट सोल दे आर चेजिंग दिस स्टिल। गॉब्लिन इज लाइक आज पैसिव नहीं खेलना, आज सीधा ब्रश करना है। बट टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स It's not going to be easy to chase them. Exactly. देखिए जैसे ही टीम सोल के प्लेयर्स गाड़ी लेके आ गए हैं, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स गाड़ी लेके पीछे जा रहे हैं। वो भी यहाँ पे फाइट लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बाद में इस फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने पिछली बार आपको सर्कल में आने में हेल्प किया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें ऐसे चेस करने लग जाएंगे। आई थिंक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स पीछे फॉल बैक कर चुके हैं। अक्षत ओपन एरियाज में प्रोन डाउन है टीम एक्सपार्क उनके जस्ट सामने। ये मुकाबला बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है बिकॉज टीम सोल को जोन के अंदर जाना है और एक्सपार्क यहाँ पे गेट कीप सिनेरियोस बना सकती है उनके लिए। एक्जेक्टली ओमेगा देखिए उनको पता है सामने से गाड़ी आ रही है, उनके ऊपर स्प्रे ऑलरेडी चालू हो चुका है। गॉब्लिन वहां पे नॉक आउट पड़ेगा, बट हेक्टर है, बट वहीं पे टीम एक्सपार्क की गाड़ी आके रुकती है। 420 ओपी नॉक हो जाते हैं, गॉब्लिन को रिवाइव मिल चुका था। 420 ओपी उनको इन्फॉर्मेशन लेता है, हेक्टर टेक डाउन कर देंगे टीम एक्सपार्क जो गाड़ी लेकर रोटेशन लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको पनिश ऑफ कर दिया गया है। व्हाई वुड दे डू दैट? उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो आराम से वहां पे रुक सकते थे, गेट कीप कर सकते थे, लेकिन जोन के बाहर जाने की गलती फीएलएस को नॉक करा जाता है। मवी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मवी को छेड़ पाएंगे? जी नहीं, टीम सोल एलिमिनेट करेगी टीम एक्सपार्क को।